इस खबर के प्रायोजक हैं एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स। पूर्वांचल के प्रसिद्ध ज्वेलर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में पहली बार लेकर आ रहे हैं विशेष गहनों की सौगात। प्रदर्शनी एवं बिक्री दिनांक 6, 7 और 8 मार्च 2021, समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। पता होटल ग्रैंड एसआर राहुल नगर मंडिया आजमगढ़। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामेतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अम्बेडकर पार्क में धरना व प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह वो हमारे हक को छीन रहे हैं, उसी तरह आने वाले चुनाव में हम महिलाएं उनको गद्दी से उतार फेंकेंगी। आजमगढ़ जिले के अम्बेडकर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना व प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 62 वर्ष पर आंगनबाड़ी महिलाओं को बिना पेंशन ग्रेच्युटी दिए ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। इन्हें अन्य राज्यों की भांति पेंशन व ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्त तक लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आदेश अनुसार हर 5 साल पर इंक्रीमेंट का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का इंक्रीमेंट नहीं किया गया, उनका इंक्रीमेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने घोषणा पत्र का पालन कर 15,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व मिनी आंगनबाड़ी को 10,000 सहायिका का मानदेय प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि मातृ समिति के खाते में अन्न प्राशन और गोद भराई का पैसा बैंकों द्वारा लो बैलेंस चार्ज के रूप में काट दिया जा रहा है, उसे बंद किया जाए और हार्ट कुक्ड मील सहित प्रधानों का हस्तक्षेप बंद कर समस्त बजट आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के खाते में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं सहायता समूह की संबद्धता के कारण हो रही समस्याओं के निवारण हेतु इनकी संबद्धता का समाप्त किया जाए। इसलिए महिला दिवस आज है 8 तारीख, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि सरकार बहुत अनदेखी कर रही है, उन महिलाओं का बहुत शोषण कर रही है। 62 साल में रिटायरमेंट कर दिए हैं बगैर कुछ दिए, और इस तरह से 62 साल सेवा करके महिला कहाँ जाएंगी। और एक नियम निकाल दिए हैं कि जैसे जैसे 62 साल पूरा होगा सबको निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम आज सरकार के विरोध चेताने आए हैं कि वो एक तरफ कहते हैं कि महिला जो है महिला का सम्मान करते हैं, दूसरे तरफ वो महिला का शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनसे बहुत नाराज हैं और बहुत दुखित हैं कि ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी आंगनबाड़ी बहने हैं उनके साथ में एक समूह सखी को लगा दिए हैं, उनके खाते में पैसा आ रहा है, उनके साथ में ड्यूटी करना है, जो कि एकदम झगड़ा का विषय बना हुआ है। न तो सही ढंग से काम हो पा रहा है, न सही ढंग से चल पा रहा है, इसका भी हम विरोध करते हैं। खाद्यान्न वितरण का भी हम विरोध करते हैं, और सरकार से हमारी मांग है कि यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर ये सरकार बनने वाले नहीं हैं। ये सरकार के हम लोग विरोधी हैं, इनके विरोध में हम लोग का नारा है इनकलाब जिंदाबाद। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।